नमस्कार दोस्तों, 17वें लोकसभा चुनाव अपने जोर और शोर से चल रहे हैं। आज दिल्ली और हरियाणा में चुनाव हैं। आज हम हैं पश्चिमी दिल्ली के मोतीनगर इलाके में। जी हाँ, ये वही इलाका है जहां पर अभी कुछ दिन पहले हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जब अपनी रैली कर रहे थे तो उन्हें किसी ने थप्पड़ मार दिया था। तो आइए आज के चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। आज 12 मई है, आज बारी है दिल्ली और हरियाणा की। दिल्ली में हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा पोलिंग बूथ है, वहाँ पर चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होता है। लीजिए, देख लीजिए। पोलिंग बूथ के बाहर इतनी शांति सिर्फ दिल्ली में ही देखी जा सकती है। हो हल्ला इस बार बहुत ही कम है। तो आइए बात करते हैं अब दिल्ली की मेन सीट पर कौन कौन लड़ता है। बेसिकली पहले कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होती थी, बट पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उभर कर आई है, श्री अरविंद केजरीवाल 2 बार यहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इस बारी की बात करते हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं जिन पर 3 मेन पार्टियां कम्पीट करती हैं, जो है बीजेपी, आम आदमी और कांग्रेस। तो आइए देखते हैं इन 7 सीटों पे किस किस पार्टी के कौन कौन से कैंडिडेट उतारे गए हैं। जो पहली मुख्य सीट है वो है चांदनी चौक। यहाँ पर आम आदमी पार्टी से हैं पंकज गुप्ता जी, बीजेपी से हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी और कांग्रेस से हैं जेपी अग्रवाल जी। यहाँ पर हर्षवर्धन जी का पलड़ा भारी नजर आता है। ईस्ट दिल्ली से हैं आम आदमी पार्टी की अतिशी जी, बीजेपी से हैं श्री गौतम गंभीर जी और कांग्रेस से हैं श्री अरविंद सिंह लवली जी। यहाँ पर अतिशी का, आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आता है। नई दिल्ली से हैं आम आदमी पार्टी से ब्रिजेश गोयल जी, बीजेपी से हैं मीनाक्षी लेखी जी और कांग्रेस से हैं अजय माकन जी। मीनाक्षी लेखी जी और अजय माकन जी दोनों बहुत ही पुराने नेता हैं, दोनों के बीच मुकाबले की टक्कर हो सकती है। जो 4th सीट है वो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की। यहाँ पर आम आदमी पार्टी से हैं दिलीप पांडे जी, बीजेपी से हैं मनोज तिवारी जी और कांग्रेस से यहाँ पर कंटेस्ट कर रही हैं 3 साल दिल्ली की सीएम रही लगातार श्रीमती शीला दीक्षित जी। जो अगली सीट है वो है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की। यहाँ से आम आदमी पार्टी से जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो है गुगु सिंह जी, बीजेपी से हर्ष हंसराज हंस जी और कांग्रेस से राजेश जी। जो हंसराज हंस जी हैं इनको आखिरी टाइम पर सीट मिली है। पहले ये टिकट उदित राज जी को ऑफर करने की बात हो रही थी, बट ना होते हुए उदित राज जी कांग्रेस में शिफ्ट हो चुके हैं। जो साउथ दिल्ली की सीट है वहां से आम आदमी के हैं राघव चड्डा जी, बीजेपी से हैं श्री रमेश जी और कांग्रेस से हैं श्री विजेंद्र सिंह जी। जी हाँ, वही बॉक्सर जिन्होंने हमारे देश को गर्व महसूस कराया है, वह साउथ दिल्ली से इस बार कंटेस्ट कर रहे हैं और उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो आखिरी सीट है वो है वेस्ट दिल्ली की। इस समय मैं वेस्ट दिल्ली में ही खड़ा हूँ। यहाँ पर ये 3 कंटेस्टेंट फाइट कर रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं बलबीर सिंह झाकड़ जी, बीजेपी से हैं श्री परवेश वर्मा जी और कांग्रेस से हैं महाबल मिश्रा जी। बलबीर सिंह झाकड़ जी के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आई है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले उनके बेटे उदय झाकड़ ने मीडिया में आके ये बात कही है कि उनके पिताजी बलबीर सिंह झाकड़ जी ने 6 करोड़ में अरविंद केजरीवाल से यह टिकट खरीदा है। तो देखते हैं इसके ऊपर जनता का क्या फैसला है। तो आइए बात कर लेते हैं मेरी प्रिडिक्शन पे। मेरी जो प्रिडिक्शन है वो 2 सीटों पर मैं प्रिडिक्ट करना चाहूंगा। पहली सीट है चांदनी चौक से। मेरी प्रिडिक्शन के अनुसार यहाँ पर हर्षवर्धन जी जीत सकते हैं। और जो दूसरी प्रिडिक्शन मैं करना चाहूंगा वो है ईस्ट दिल्ली से। मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अतिशी जी गौतम गंभीर को हराते हुए यह सीट जीत सकती हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं हरियाणा की लोकसभा सीटों की। यहाँ की बाकी जितनी भी सीट हैं वहाँ पर यह साफ नजर आ रहा है कि किसका पलड़ा भारी है, परंतु हरियाणा के 2 धड़कते दिल सोनीपत और रोहतक यहाँ पर मुकाबला टक्कर का है। यहाँ पर कांग्रेस के कंटेस्टेंट हैं सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो लगातार 2 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं खट्टर जी से पहले, और रोहतक से जो है वो है दीपेंद्र हुड्डा जी। इनका मुकाबला किन से है? इनका मुकाबला है बीजेपी के रोहतक से, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मुकाबला है बीजेपी के अरविंद शर्मा जी से, और सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मुकाबला है रमेश चंद्र कौशिक जी से। मेरी प्रेडिक्शन के अनुसार यह दोनों सीट कांग्रेस ले जाएंगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी रोहतक में जीत जाएंगे और सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जीत जाएंगे। दिल्ली और हरियाणा में ईवीएम के नतीजे आज
बंद हो जाएंगे और रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा कहां से कौन जीता है, किसका पलड़ा भारी है, केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं। जी हां, मैंने भी अपना वोट अभी तक नहीं डाला है। मैं भी वोट डालने जा रहा हूं। मैं वेस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता हूं। तो मिलते हैं आगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।